नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू पासिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट पास करें और ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करें। तो इस टाइप के प्रोग्राम हर आईएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन होता है, उसको क्लिक करें, ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी वीडियो नया आएगा तुरंत ही आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है, बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जितने नियर डियर हैं उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। तो देखिए, जैसे ये प्रोग्राम है हमारा, इसमें क्या है, एंगल है, दो एंगल का सम करना है। दो एंगल का क्या करना है, सम करना है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया जावा डाटा यू डाटा स्टिक, और ये क्लास है, क्लास में डेटा मेंबर हैं दो, एक डिग है एक मीन है। डिग मतलब डिग्री और मीन मतलब मिनट्स। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये इनपुट है, एंगल इनपुट करने का, डिग्री और मिनट में एंगल देंगे। ये डिस्प्ले फंक्शन है जिसमें एंगल और डिग्री, एंगल डिग्री और मिनट डिस्प्ले होगा। और ये सम ऑफ एंगल का फंक्शन है। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। तो देखिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन थ्रोज आई एक्सेप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर बफर रीडर से इनपुट लिया है, इसलिए यहां पर थ्रोज आई एक्सेप्शन लिखा गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमने यहां पर तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एंगल ओ बी वन इज इक्वल टू न्यू एंगल, यानी पहला ऑब्जेक्ट बनाए, फिर एंगल ओ बी टू इज इक्वल टू न्यू एंगल दूसरा ऑब्जेक्ट बना, एंगल ओ बी थ्री इज इक्वल टू न्यू एंगल तीसरा ऑब्जेक्ट बना। तो जब ये हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिग और मीन जीरो ले रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तीन ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ओ बी वन ओ बी टू और ओ बी थ्री। उसके बाद हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन एंटर फर्स्ट एंगल, और हमने कहा ओ बी वन डॉट इनपुट एंगल। तो जब भी जो ऑब्जेक्ट नेम डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, जो जैसे हमने यहां लिखा है ओ बी वन डॉट इनपुट एंगल, तो इनपुट एंगल में OB1 के डेटा मेंबर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट डॉट करके किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, यानी जिनको करेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा OB1, तो OB1 में जो डेग और मीन है वो सीधे पहुंच जाएंगे। जब इनपुट एंगल ये फंक्शन है हमारा इनपुट एंगल, तो यहाँ इनपुट एंगल में डेग और मीन कॉल इनपुट कर रहे हैं, तो जो डेग और मीन इनपुट हो रहा है ये OB1 में के डेग और मीन में चला जाएगा। और जब दूसरी बार हमने कॉल किया OB2 डॉट इनपुट एंगल, तो अब की बार क्या हुआ, जो इनपुट एंगल फिर कॉल हुआ, यहाँ पर डेग और मीन फिर इनपुट हुआ। तो अब की बार जो डेग और मीन किस किस ऑब्जेक्ट के डेग और मीन में जाएगा, OB2 में जाएगा। तो यानी दो बार हमने इनपुट कॉल किया, पहली बार हमने कॉल किया OB1 डॉट इनपुट एंगल, दूसरी बार OB2 डॉट इनपुट एंगल। यानी जो ऑब्जेक्ट करके फंक्शन कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा। तो पहले बार जो इनपुट हुआ OB1 में चला जाएगा डेग और मीन में, दूसरी बार जो इनपुट हुआ OB2 में चला जाएगा। और जब हमने कहा OB3 इज इक्वल टू OB3 डॉट सम ऑफ एंगल OB1 और OB2, तो ये OB1 पास किया और OB2 पास किया इस सम ऑफ एंगल में। तो यहां पर OB3 क्या डॉट करके कॉल किया गया है, तो OB3 में कोई डेटा मेंबर नहीं है, यानी जीरो। डेग और मीन की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि हमने जो आज बनाया था वहां पर डेग और मीन क्या लिया है, जीरो है, डेग और मीन जीरो है। तो OB3 में हमने इनपुट किया नहीं, तो डेग और मीन जीरो ही होगा, लेकिन OB1 और OB2 में जो इनपुट करेंगे वो चला जाएगा। तो जब हमने यहां कॉल किया OB1 और OB2 करके फंक्शन कॉल किया, तो सम ऑफ एंगल, तो सम ऑफ एंगल ये फंक्शन हमारा कॉल होगा।
तो जहां पर ये टी वन है और ये टी टू है, जो यानी ओबी वन और टी वन एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम है, जिसका नाम यहां पर मेन में ओबी वन है उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर टी वन है, और जिसका नाम हमारा ओबी टू है उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर टी टू है। इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो क्या है, दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, अगर हम यहां पर टी वन में कोई चेंज करते हैं तो ओबी वन में चेंज हो जाएगा, और अगर हम टी टू में कोई चेंज करते हैं ओबी टू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर ओबी वन और ओबी टू पास कर रहे हैं। ये दीज आर ऑब्जेक्ट जिसका नाम यहां पर ओबी वन है, उसका नाम इस फंक्शन के अंदर टी वन है, और जिसका नाम मेन में हमारा ओबी टू है उसका नाम यहां पर टी टू है। यानी जब हम टी वन और टी टू में प्रोसेस करेंगे तो ओबी वन और ओबी टू में प्रोसेस होगा। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सम ऑफ एंगल ओबी वन और ओबी टू पास किया, तो यहां पर जो ओबी थ्री है उसके डेटा मेंबर डायरेक्ट पहुंचेंगे, यानी करंट ऑब्जेक्ट डेटा है। करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारा ओबी थ्री है। तो यहां पर हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया टी थ्री, टी थ्री बनाया, तो एंगल टी थ्री इज इक्वल न्यू एंगल, यहां टी थ्री बना। फिर हमने क्या कहा, टी थ्री डॉट डेग इज इक्वल टी वन डॉट डेग प्लस टी टू डॉट डेग। तो टी वन में जो डेग है और टी टू में जो डेग है दोनों ऐड हो जाएंगे और टी थ्री के डेग में स्टोर हो जाएंगे। फिर टी थ्री डॉट मीन इज इक्वल टी वन डॉट मीन और टी टू डॉट मीन दोनों ऐड हो जाएंगे। टी वन डॉट यानी टी वन का मतलब है ओबी वन और टी टू का मतलब है ओबी टू। अब दोनों में डिग्री जो है डेग में चली जाएगी और मिनट्स मीन में चले जाएंगे ओबी थ्री के ऑब्जेक्ट में। फिर ओबी थ्री में हम चेक करेंगे कि ओबी थ्री डॉट मीन क्या मोर देन इक्वल टू 60 है। अगर मिनट्स 60 या अबव है तो 60 माइनस हो जाएगा मिनट में और डिग्री में एक ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, ओबी टी थ्री डॉट मीन इज इक्वल टी थ्री डॉट मीन डॉट माइनस 60 और टी थ्री डॉट डेग इज इक्वल टी थ्री डॉट डेग प्लस 1, यानी 60 माइनस हो जाएगा। कब, जब मिनट हमारा टी थ्री का मिनट 60 आर अबव है, तो नहीं तो नहीं। और फिर क्या करेंगे, रिटर्न टी थ्री करेंगे। जब टी थ्री रिटर्न होगा तो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, ये ओ बी थ्री में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ बी थ्री इक्वल करके फंक्शन कॉल किया गया। तो ओ बी थ्री इज इक्वल टू ओ बी थ्री डॉट सम ऑफ एंगल ओ बी वन कॉमा ओ बी टू। और जब हम कहेंगे सेट डॉट प्रिंट फर्स्ट, और फिर हम कहेंगे ओ बी वन डॉट डिस्प एंगल, तो डिस्प एंगल कॉल होगा। तो जब OB1 डॉट करके कॉल करेंगे तो OB1 के डेटा मेंबर डिस एंगल में चले जाएंगे, और जब डिग और मिन प्रिंट होगा तो OB1 के डेटा मेंबर प्रिंट होंगे। जब हम कॉल करेंगे OB2 डॉट डिस एंगल, तो OB2 में जो डिग और मिन है वो डेटा मेंबर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वो डिग और मिन कॉल होगा। जब हम OB3 डॉट डिस एंगल कॉल करेंगे तो OB3 यानी जो OB1 और OB2 के एंगल ऐड हुआ है उसके डेटा मेंबर होंगे ओबी थ्री में, क्योंकि वो टी थ्री रिटर्न हुआ था, इसमें ओबी थ्री में आया है, तो ओबी थ्री डॉट डिस्प्ले एंगल करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम पूरा देखिए, क्लास क्या है, एंगल है डेग और मिन हमारे डेटा मेंबर हैं, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट जिसमें डेग और मिन जीरो किया गया इनपुट एंगल में, बफर रीडर से किया गया है। तो डेग इनपुट किया गया है, मिनट और डिग्री और मिनट दोनों इनपुट करना है, डेग में डिग्री चली जाएगी मिन में मिनट चले जाएंगे, और डिस्प एंगल में एंगल इज डेग डिग्री एंड मिन मिनट्स डिस्प्ले होगा, और सम ऑफ एंगल में दो ऑब्जेक्ट पास होंगे दोनों का सम होगा। और तो प्रोग्राम हमारा कहाँ शुरू होता है, मेन शुरू होता है। तो देखिए, तो पहले आप क्या करिए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए एक पेज, फर्स्ट पेज ले लीजिए, फिर दूसरा पेज ले लीजिए, फिर तीसरा पेज ले लीजिए। अब इसको रन कराते हैं, देखिए क्या कहा, एंटर फर्स्ट एंगल, एंटर फर्स्ट एंगल
इन डिग्री एंड मिनट्स हमने दे दिया, जैसे हमने दिया 45 और 57 क्या, फिर क्या कहा, एंटर सेकेंड एंगल इन डिग्री एंड मिनट, हमने दे दिया मान लिया 25 और 48। देखिए क्या आया, फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री एंड 57 मिनट्स, सेकेंड एंगल इज 25 डिग्री एंड 48 मिनट्स, सम ऑफ एंगल इज 71 डिग्री एंड 45 मिनट्स। जब ऐड हुआ मिनट्स तो 60 से अबव हो गया, इसलिए जब 45 और 25 ऐड किया गया तो 70 आया, एक क्योंकि इसका मिनट ज्यादा हो रहा था 60 अरब हो रहा था इसलिए 71 चला गया और 60 माइनस हो गया तो 45 मिनट्स आया। तो इसका स्क्रीन शॉट ले, ये है हमारा एंगल का प्रोग्राम, इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों पास किए और ऐड किया, इसमें करंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया गया है। अब दूसरा प्रोग्राम देखिए टाइम वाला, टाइम इसमें क्या है, टाइम जो है क्लास टाइम है और HMS यानी आर्स मिनट सेकेंड डेटा मेंबर है और ये कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट जिसमें HMS 0 किया गया है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें HMS पास किया गया और HMS में चला गया, HH चला गया H में, MM चला गया M में, यानी दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में क्या हो रहा है HMS प्रिंट किया गया है और यहां पर दो टाइम का डिफरेंस निकाला जा रहा है, दो टाइम का क्या निकाला जा रहा है डिफरेंस, उस वाले में दो डिग्री दो एंगल को ऐड किया जा रहा था, इसमें क्या है दो टाइम का डिफरेंस निकाला जा रहा है और वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट हमने पास किया था, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी तो देखिए यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट पास किया गया है तो इसमें क्या हो रहा है टाइम OB1 इज इक्वल न्यू टाइम यहां ऑब्जेक्ट बनाया गया है और फिर ये डिफरेंस निकाला गया है। तो कैसे निकाला गया इसकी चर्चा हम करेंगे, पहले आप मेन में आइए, मेन में क्या हो रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पर INT H1 INT M1 INT S1 INT H2 INT M2 INT S2 यानी दो टाइम आस मिनट सेकेंड ये है और आस मिनट सेकेंड दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहां पर अब जो बनाया गया है टाइम OBJ1 इज इक्वल न्यू टाइम H1 M1 S1 ने पास किया गया तो यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा ये वाला, तो जो हमारे H1 M1 S1 है ये चले जाएंगे HH MM SS में और HMS में चले जाएंगे, HH चला जाएगा H में, MM चला जाएगा M में और SS चला जाएगा S में, यानी जो हम H1 M1 S1 दे रहे हैं वो पहले OBJ1 के HMS में चले जाएंगे। फिर दूसरा जो बनाया गया टाइम OBJ2 इज इक्वल न्यू टाइम H2 M2 S2 तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है, H2 चला जाएगा HH में और M2 चला जाएगा MM में और H2 चला जाएगा SS में और ये HH MM और SS चले जाएंगे HMS में। तो जो हमारा जो तीसरा दूसरा जो बन रहा है OBJ2 उसमें H में चले जाएंगे H2, M में चला जाएगा M2 और S में चला जाएगा S2। तीसरा जो बनाया गया है बगैर पैरामीटर के OBJ3 जो न्यू टाइम, इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, HMS तीनों में 0 चला जाएगा। अब यहां पर क्या किया गया है, हमने कहा OBJ3 इज इक्वल टू OBJ1 डॉट डिफ OBJ2। अब यहां पर डिफ फंक्शन में जो OBJ1 है वो फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट किया गया है, जब भी हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है वो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाता है,
उसके डेटा मेंबर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, उनको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, वो करेंट ऑब्जेक्ट डेटा होता है, उसको आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। तो जो सीधे वर्क डेटा मेंबर यूज किए जा रहे हैं वो उस फंक्शन में ओबीजे वन के होंगे, और जो ओबीजे टू पास किया गया है वो ओबीजे टू और इस फंक्शन में जो हमारा ओबी है एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं। जो हमने ओबीजे टू पास किया है ओबीजे टू उसके वो और यहाँ पर जो ओबी है दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों यहाँ जिसका नाम यहाँ ओबीजे टू है उसी का नाम इस फंक्शन में डिफ फंक्शन में ओबी है, और जो हमारा ओबीजे वन डॉट करके फंक्शन कॉल किया गया है इसके डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, जो सीधे वर्क कर रहे हैं वो हमारे ओबीजे वन के डेटा मेंबर हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है वो उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर सीधे उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, यानी ओबीजे वन के डेटा सीधे डिफ फंक्शन में पहुंच रहे हैं और ओबीजे टू पैरामीटर से पहुंच रहा है। देखिए तो यहां पर क्या किया गया है, यहां एक ऑब्जेक्ट बनाया गया टाइम ओबी वन इज इक्वल न्यू टाइम, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से तो टाइम में एचएमएस तीनों में जीरो चला जाएगा। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, ओबी वन जो बना है ओबी वन डॉट एस इज इक्वल टू एस माइनस ओबी डॉट एस, तो जो हमारा ओबीजे वन में सेकेंड है उसमें ओबी जो हमारा ओबीजे टू का एस है माइनस हो जाएगा, और जो मिनट में ओबी वन डॉट एम इज इक्वल टू एम माइनस ओबी वन डॉट एम। तो ओबी वन का मतलब है ओबी वन इसमें किसका नाम है जो पास किया गया, ओबीजे टू है, और करंट ऑब्जेक्ट क्या है ओबीजे वन है, यानी ओबीजे वन के डेटा सीधे यूज हो रहे हैं और ओबीजे टू के डेटा ओबी ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहे हैं, क्योंकि जिसका नाम यहाँ पर ओबीजे टू है उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर ओबी है। तो यहां पर देखिए जब हमने ओबी वन डॉट एच इज इक्वल टू एच माइनस ओबी डॉट एच किया तो एच ये एस और एम और एच जो हैं ये सीधे यूज हो रहे हैं, ये करंट ऑब्जेक्ट डेटा हैं जो कि वहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल किया गया है ओबीजे वन डॉट करके कॉल किया गया है, तो ओबीजे वन के डेटा मेंबर वहां पर सीधे एक्सेस हो रहे हैं, और जो ओबीजे टू हमारा पैरामीटर पास किया गया है तो ओबीजे टू के डेटा ओबी डॉट करके एक्सेस हो रहे हैं। अब फिर चेक किया गया कि ओबी वन डॉट एस क्या लेस देन जीरो है, अगर लेस देन जीरो है तो क्या किया गया है ओबी वन डॉट एस में 60 ऐड कर दिया गया है और ओबी वन डॉट एम में एक माइनस कर दिया गया है, यानी वहां से एक बार ले लिया गया मिनट से और सेकंड में ऐड कर दिया गया है। इसी तरीके मिनट चेक किया गया है, अगर ओबी वन डॉट एम लेस देन जीरो है तो मिनट में 60 जोड़ दिया गया है और आवर्स में एक माइनस कर दिया गया है। फिर रिटर्न किया गया ओबी वन, तो ओबी वन जो रिटर्न किया गया है यहां से किस में आया ओबीजे थ्री में आ गया, जो यहां रिटर्न किया गया है ओबी वन वो ओबीजे थ्री में आ गया, तो ओबी वन और ओबीजे थ्री एक में डेटा मेंबर एक ही। देखिए ये कैसे वर्क हो रहा है, मेन से चलता है, तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का ले लीजिए। यहां पर क्या है क्लास है हमारा, क्लास टाइम है और डेटा मेंबर क्या है एच एम एस एच कॉमा एम कॉमा एस है, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें एच एम एस जीरो हो रहा है, दो एच एम एस तीनों की वैल्यू जीरो हो रही है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एच एच एम एम एस एस पास किया जा रहा है जो एच एम एस में जा रहा है, डिस्प्ले में एच एम एस डिस्प्ले कर रहे हैं और यहां पर डिफ फंक्शन में डिफरेंस निकाल रहे हैं दो टाइम के बीच का, और जब हम कह रहे हैं ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले तो ओबीजे वन के डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले फंक्शन में चले जाएंगे। जब यहां डिस्प्ले कर रहे हैं डिस्प्ले में देखिए क्या कर रहे हैं एच एम एस प्रिंट कर रहे हैं एच एम एस, तो जो ऑब्जेक्ट डॉट करके जो भी ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंच जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स। तो जब हमने यहां कॉल किया ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले तो ओबीजे वन के डेटा मेंबर डिस्प्ले में पहुंच गए, सीधे एक्सेस होंगे सीधे प्रिंट होंगे।
जब हमने कॉल किया ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले, तो ओबीजे टू के डेटा मेंबर सीधे एक्सेस होंगे जाके प्रिंट डिस्प्ले फंक्शन में। जब हमने कहा ओबीजे थ्री डॉट डिस्प्ले, तो ओबीजे थ्री के डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले में फंक्शन पहुंच जाएंगे और डिस्प्ले होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा पेज ले लीजिए और ये मेन। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब यहां पर टाइम मांग रहा है, हमने मान लिया दे दिया 45 आवर्स, ट्वेल्व मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये टाइम वन है। दूसरा टाइम हमने दे दिया मान लिया 15 आवर्स 50 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। देखिए आ गया, पहला टाइम हमने दिया 45 मिनट्स 12 सेकेंड 12 मिनट्स 30 सेकेंड, दूसरा टाइम दिया 15 आवर्स 50 मिनट्स 45 सेकेंड, डिफरेंस निकाला। तो देखिए दो टाइम का डिफरेंस आ गया, ये 30 सेकेंड में 45 सेकेंड जाएंगे तो कम पड़ेंगे, तो इससे माइनस किया गया, तो यहाँ 60 प्लस हो गया, तो जब 90 हो गया, 90 में 45 चला गया, 45 आया। अब यहाँ 11 बचा, 11 में 50 जा नहीं पाएगा, इससे एक आवर्स माइनस लिया गया, तो यहाँ पर 60 प्लस 11 आ गया, तो 71 आया, 71 में 50 चला गया 21 आया। यहाँ 45 की जगह 44 बचा, 44 में 15 माइनस किया तो 29 आया। तो देखिए ये आंसर आया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब तीसरा एग्जांपल है डिस्टेंस का। देखिए डिस्टेंस में क्या है, किलोमीटर और मीटर में डिस्टेंस है, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें किलोमीटर और मीटर को जीरो किया गया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें KM और MT वही पास किया गया है जो, यानी लोकल और ग्लोबल सेम है। जब लोकल और ग्लोबल सेम होते हैं तो दिस डॉट करके ग्लोबल को एक्सेस किया जाता है। जैसे KM और MT हमारे ग्लोबल हैं और जो KM और MT ही पास कर रहे हैं, तो इसलिए दिस डॉट KM ये ग्लोबल है और दिस डॉट MT ग्लोबल है और जो पास किए गए हैं लोकल है। और यहां पर डिस्टेंस, दो डिस्टेंस को ऐड किया गया है, दो डिस्टेंस को ऐड किया गया है और एक ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट करेंट ऑब्जेक्ट को यूज किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओबीजे थ्री इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस और यहां पर ओबीजे थ्री डॉट KM इज इक्वल टू ओबी डॉट जो पास किया गया ओबी डॉट KM प्लस OB.MT+MT/1000 क्योंकि मीटर जो होगा 1000 डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो ऐड होगा। और यहां पर मीटर में क्या होगा, OB.MT+MT में मॉडुलस 1000 कर देंगे तो जो बचेगा वो मीटर में जाएगा और रिटर्न कर देंगे OB3 और डिस्प्ले में किलोमीटर और मीटर डिस्प्ले कर देंगे। अब यहां पर मेन से वर्क करेगा, तो मेन में क्या किया गया है, मेन में K1 और M1 दो, ये पहला डिस्टेंस है और ये दूसरा डिस्टेंस है, यानी K1 और M1 यानी किलोमीटर और मीटर पहली डिस्टेंस है, दूसरा K2 और M2 दूसरी डिस्टेंस है और दोनों के बीच में ऐड, दोनों डिस्टेंस को ऐड किया जा रहा है। अब यहां पर पहला ऑब्जेक्ट बनाया गया, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया गया OB1 और K1 और M1 डाला गया, तो K1 चला जाएगा हमारा KM में और M1 चला जाएगा MT में और यहां पर पास हो जाएगा। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहां पर K2 और M2 से, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहां पर KM और MT में चला जाएगा,
हमारा K2 और M2 और उसको सीधे KM और M2 चला जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है बगैर पैरामीटर का बन रहा है, तो यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, डिफॉल्ट होगा, तो KM और MT दोनों जीरो हो जाएंगे। और जब हम ये ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, OB3 इज इक्वल टू OB1 डॉट ऐड OB2। इसका मतलब क्या, OB1 के डेटा मेंबर ऐड फंक्शन में डायरेक्ट पहुंचेंगे, जिनको बोलेंगे करंट ऑब्जेक्ट डेटा, सीधे एक्सेस होंगे। जो सीधे एक्सेस हो रहे हैं डेटा मेंबर KM और MT जो सीधे एक्सेस हो रहे हैं वो OB1 के हैं, और जो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो रहे हैं वो OB2 के हैं। OB2 और यहाँ पर OB जो है दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के नाम है, जिसका नाम यहाँ पर OB2 है उसी का नाम यहाँ पर OB है। तो अब देखिए, अब तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्टेंस ऐड हो रही है, यहां पर किलोमीटर दोनों ऐड हो रहे हैं, और मीटर ऐड करके 1000 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा है वो किलोमीटर में ऐड हो रहा है, और मीटर दोनों ऐड होके फिर 1000 से मॉडुलस कर रहे हैं, जो बच रहा है वो मीटर में जा रहा है, फिर रिटर्न कर रहे हैं। जो OB3 रिटर्न हो रहा है वो किस में जा रहा है, हमारा OB3 में जा रहा है, यानी OB3 और OBJ3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के नाम है, जिसका नाम यहाँ पर OBJ3 है उसी का नाम यहाँ पर OB3 है। जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं फर्स्ट डिस्टेंसेस, फिर हमने कहा OB1 डॉट डिस्प्ले, तो OB1 के डेटा मेंबर डिस्प्ले फंक्शन में सीधे पहुंच जाएंगे। जब हम डिस्प्ले करेंगे KM और MT तो वो OB1 के होंगे। दूसरी बार जब हम डिस्प्ले करें OB2 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो OB2 के डेटा मेंबर पहुंच जाएंगे इसमें सीधे, जो KM और MT डिस्प्ले होंगे वो OB2 के होंगे। और जब OB3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो OB3 के डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे, तो वो KM और MT जो डिस्प्ले होंगे OB3 को। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके कोई भी फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंच जाते हैं और सीधे एक्सेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं करेंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स, बगैर वो ऑब्जेक्ट के कॉल होते सीधे एक्सेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंचते हैं, जो कि ग्लोबल की तरह यूज होते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उन्हें बोलते हैं करेंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोग्राम का, लार्ज डिस्टेंस IMT KM और MT, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये ऐड किया गया है, उसके बाद डिस्प्ले और मेन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रन करा के देखते हैं, तो ये पैरामीटर दे रहे हैं, जैसे मान लिया हमने दे दिया 150 किलोमीटर पहला दिया, और मीटर दे दिया हमने 589, और दूसरा डिस्टेंस दिया हमने 258 किलोमीटर, और हमने दे दिया 954 मीटर्स। ओके किया, देखिए हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर 589 मीटर्स, सेकंड डिस्टेंस इज 258 किलोमीटर 954 मीटर्स। जब दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, सम ऑफ डिस्टेंस इज 409 किलोमीटर 543 मीटर्स, क्योंकि दोनों ऐड किया गया तो ये 1000 से ऊपर हो गया, इसलिए एक किलोमीटर बढ़ गया और 1000 माइनस हो गया, तो ये आया 543 मीटर्स आया। और यहाँ पर 150 और 258 ऐड किया गया, और एक वो जो इधर से आया था कैरी, तो ये 409 आया, 409 किलोमीटर 543 मीटर्स, दोनों डिस्टेंस ऐड करने से ये आंसर आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
तीसरा हमारा क्वेश्चन है कलेक्शन अब यहां पर क्या है थोड़ा सा अरे का आ गया है अब इसमें क्या हो रहा है इंपोर्ट जावा डाटा यू डाटा स्टिक क्लास कलेक्शन क्लास का नाम कलेक्शन है इसमें एक अरे है आइडेंटी टाइप की अरे है और उसकी लेंथ जो है उस अरे की लेंथ है यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि जब भी कोई अरे होती है तो हम जीरो नहीं लेते जीरो लेने से क्या होता है अरे की वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि जीरो मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे तो अरे बेकार हो जाती है इसलिए जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई फिक्स वैल्यू देनी होती तो यहाँ पर 100 ले लिया गया है साइज और लेंथ भी 100 हो गया और यहाँ पर जो एन पास करेंगे वही लेंथ में चला जाएगा और उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा अरे में ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर क्या है इनपुट है INP ARR ये इनपुट है बफर रीडर से किया गया इसलिए एक्सेप्शन लगाइए या थ्रो जाए एक्सेप्शन लगाइए दोनों चलता है फिर यहाँ पर एंटर एलिमेंट्स अरे के एलिमेंट इनपुट किए गए हैं और यहाँ पर ये क्या है कॉमन एलिमेंट के लिए हमारा फंक्शन है कॉमन निकालने का कॉमन एलिमेंट और ये अरेंज करने का फंक्शन है यानी सॉर्टिंग है इसमें और ये डिस्प्ले फंक्शन है अरे को डिस्प्ले करने का है और ये हमारा मेन है यहाँ पर क्या हो रहा है दो अरे हैं दोनों अरे को लेके दोनों में कॉमन एलिमेंट लेके सॉर्ट किया गया है तो देखिए कैसे वर्क करेगा यहाँ पर मेन में देखिए हमने क्या लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन INP P INT P INT Q यानी पहली अरे के साइज P लिया है दूसरे अरे का साइज Q लिया है तो थ्रो जाए एक्सेप्शन लिया अब यहाँ आप जो बना रहे हैं कलेक्शन OB1 इज इक्वल न्यू कलेक्शन P तो P चला जाएगा पहली का साइज P हो जाएगा यानी यहाँ पर हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला एन में जाएगा साइज उसका हो जाएगा पी के बराबर और दूसरी बार फिर आप जो बनाया देखिए दूसरा जो बन रहा है OB2 यहाँ क्यों जा रहा है क्यों साइज हो जाएगा तीसरा कलेक्शन OB3 जो न्यू कलेक्शन इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया तो 100 की मेमोरी बन जाएगी फिर क्या किया गया इनपुट एलिमेंट फॉर फर्स्ट अरे जब आप OB1.INP ARR कॉल करेंगे तो OB1 के डेटा मेंबर सीधे INP ARR फंक्शन में चले जाएंगे तो जो अरे इनपुट होगी वो OB1 की अरे में डेटा जाएगा दोबारा जब हम कॉल करेंगे इनपुट एलिमेंट फॉर सेकेंड अरे तो जब हम OB2.INP ARR फंक्शन कॉल करेंगे तो जो इनपुट अरे होगी वो OB2 की अरे में डेटा जाएगा फिर जब हम कहेंगे फर्स्ट अरे जब हम OB1.Display करेंगे तो फर्स्ट अरे डिस्प्ले होगी जो OB2. करेंगे तो डिस्प्ले में जो सीधे अरे डिस्प्ले हो रही है वो किसकी होगी जो आप डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं वो सब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा तो ये हमने बहुत बार बताया है ये आप समझिए उसके बाद क्या किया गया हमने कहा OB3 OB1 .common OB2 इसका मतलब क्या OB1 के डेटा मेंबर सीधे पहुंचेंगे कॉमन फंक्शन में और जो सीधे एक्सेस होंगे और OB2 के को हम ऑब्जेक्ट में पैरामीटर में पास कर रहे हैं तो ये पैरामीटर के थ्रू जाएंगे OB2 के डेटा मेंबर OB2 जो यहां है इसका नाम उसका नाम इस फंक्शन में कॉमन फंक्शन में सी है जिसका नाम यहां पर OB2 है उसी ऑब्जेक्ट का नाम इस फंक्शन में कॉमन फंक्शन में सी है अब यहां पर दो अरे में कॉमन एलिमेंट निकाले जा रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या किया गया पहले हमने कर दिया OB जो हमने आपके बनाया है ये OB उसको हमने लेन को जीरो कर दिया है लेन ही हमारा इंडेक्स का काम करेगा लेन जितने बार कॉमन आएगा उतने बार लेन बढ़ाते जाएंगे उतने एलिमेंट बढ़ेंगे और यहाँ पर जीरो कर दिया गया लूप चलाया गया जीरो से लेके लेन तक ये लेन जो है ये क्या है
जो ऑब्जेक्ट डार्ट करके फंक्शन कॉल किया गया उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है लेन, और वो जो सीधे अरे एक्सेस हो रही है ये ए आर आर वो ओ बी वन की है, और सी डॉट ए आर आर जो एक्सेस हो रही है वो ओ बी टू की है जो कि सी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कॉमन लिया जा रहा है, तो पहला एक एलिमेंट उठाया, दूसरा ये लूप चल रहा है दूसरी अरे के लिए, और ये आई का लूप चल रहा है, तो यहाँ पर मैच कराया जा रहा है ए आर आर आई से सी डॉट ए आर आर जे, और अगर मैच कर रहा है तो एच को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और फिर चेक कर रहे हैं इफ एच इज मोर देन जीरो है, अगर हमारा एच मोर देन जीरो है इसका मतलब कॉमन एलिमेंट दोनों में है, यानी जो तो उसको क्या कर रहे हैं ओ बी डॉट ए आर आर में वो ए आर आर आई का डेटा डालते जा रहे हैं ओ बी डॉट लेन प्लस प्लस करके, और फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे फिर मैच कराएंगे, अगर वो एच एच बढ़ेगा क्योंकि एच एच हर बार एच जीरो कर रहे हैं, अगर बढ़ेगा एच मोर देन जीरो होगा मतलब कॉमन है, अगर एच मोर देन जीरो नहीं होगा तो कॉमन नहीं, अगर कॉमन है तो इसमें डालते जाएंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो नहीं जाएगा। ये फंक्शन हमारा कॉमन निकालने का है। तो जो हमारा एरे और लेन डायरेक्ट यूज हो रहा है वो ob1 का है, क्योंकि ob1 डॉट करके हमने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पर देखिए ob1 डॉट करके फंक्शन कॉल किया गया है, तो ob1 का डेटा जो कॉमन फंक्शन में सीधे एक्सेस हो रहा है वो ob1 का है, और जो ob2 का डेटा मेंबर एक्सेस हो रहा है वो क्योंकि ob2 पास कर रहे हैं और यहाँ पर c ऑब्जेक्ट है, तो c जो डॉट करके फंक्शन कॉल किया जा रहा है ob2 का डेटा मेंबर प्रोसेस हो रहा है। ये कॉमन दो अरे में कॉमन एलिमेंट स्टोर निकाल के एक ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ob, और फिर ob को रिटर्न कर रहे हैं, जब ob रिटर्न होके आ रहा है तो किस में आ रहा है, ob रिटर्न होके जो आ रहा है ob3 में आ रहा है, और फिर हम जब ob3 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो अनसॉर्टेड अरे प्रिंट होगी, फिर ob3 डॉट अरेंज कर देंगे तो अरेंज फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे हम अरेंज फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा डेटा ये अरेंज फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ये सॉर्ट कर रहा है, सॉर्टिंग लगी हुई है, ये बबल सॉर्ट लगी है, तो अरे सॉर्ट करने का फंक्शन है, ये फंक्शन अरे को सॉर्ट करने का है, तो सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने कहा ob2 ob3 डॉट अरेंज तो ob3 के डेटा मेंबर उस पर पहुंच जाएगा, तो जो अरे सॉर्ट होगी वो किसकी होगी, ob3 की अरे सॉर्ट हो जाएगी, ob3 ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी, फिर हम प्रिंट कर देंगे सॉर्टेड अरे ob3 डॉट डिस्प्ले, फिर प्रिंट करेंगे तो आपकी बात सॉर्टेड अरे आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा अरे है arr और उसके साइज है लेन में, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इनपुट inp arr है, इनपुट फंक्शन है जो डेटा इनपुट करेगा अरे में, इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दूसरा पेज ले लीजिए, तीसरा पेज ले लीजिए, चौथा पेज ले लीजिए, फिर पांचवा ले लीजिए, फिर लास्ट पेज ले लीजिए मेन। अब देखिए इसको रन कराते हैं, जब इसको रन कराएंगे मीन्स मांग रहा है, हम साइज छोटा देते हैं जिससे डेटा देने में आसानी रहे, तो हमने पहले वाले अरे का साइज दे दिया 5 और दूसरे वाले अरे का साइज दे दिया 6, पहले वाले अरे का साइज 5 दूसरे वाले का 6। देखिए क्या कहा, इनपुट एलिमेंट फॉर फर्स्ट अरे, एंटर एलिमेंट हमने दे दिया 45, 51, 60, 20, 30, ये पहले अरे के डेटा 5 हो गए। अब दूसरे अरे मांग रहा है इनपुट एलिमेंट फॉर सेकेंड अरे, अब दे देते हैं, हमने दे दिया मान लिया 51, 20, 45, 75, 69, 28,
देखिए ये आ गया ऊपर से, देखिए ये पहले क्या हुई, ये पहली अरे इनपुट हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पांच एलिमेंट हैं, दूसरी अरे इनपुट हुई, पांच एलिमेंट हैं, फिर फर्स्ट अरे इज ये प्रिंट हुई, पहले अरे प्रिंट हुई, देखिए फर्स्ट अरे इज, फर्स्ट अरे इज प्रिंट हुई पांच एलिमेंट, सेकेंड अरे प्रिंट हुई छह एलिमेंट, फिर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो अनसॉर्टेड प्रिंट हुए, अरे एलिमेंट अनसॉर्टेड अरे कॉमन एलिमेंट प्रिंट हुए, फिर सॉर्ट होकर प्रिंट हुए, हमने वहां सॉर्ट फंक्शन कॉल किया था, अरेंज फंक्शन। तो आप स्क्रीन शॉट इसका भी ले सकते हैं आउटपुट का, ये पहला पेज फिर दूसरा पेज। तीसरा है एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट क्लास पॉइंट, यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट है दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, पब्लिक पॉइंट एक्स वाई, यहां पर क्या किया गया जीरो लिया गया क्योंकि तो डबल टाइप का 0.0 हो गया, रीड पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनपुट किए जाएंगे, हो जाए एक्सेप्शन से क्योंकि हमने आईओ लगाया है, आप स्कैनर से भी इनपुट कर सकते हैं तो ये बफर रीडर नहीं लगाना पड़ेगा, स्कैनर से होगा फिर वहां पर थ्रो एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पर डिस्प पॉइंट डिस्प्ले किया जा रहा है एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और यहां पर क्या किया जा रहा है मिड पॉइंट निकाला जा रहा है दो पॉइंट के बीच में। अब यहां पर दोनों पॉइंट पास किए जा रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पास किए जा रहे हैं पी वन और पी टू, यहां पर करंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पास करें तो हम जब दोनों ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो करंट ऑब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो करंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा पी थ्री और फिर पी थ्री डॉट एक्स इजिकल टू पी वन डॉट एक्स प्लस पी टू डॉट एक्स डिवाइड बाई टू, और पी थ्री डॉट वाई इजिकल टू पी वन डॉट वाई प्लस पी टू डॉट वाई डिवाइड बाई टू, यानी दो जो ऑब्जेक्ट पास किए गए हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं और फिर रिटर्न किया गया है हमारे पी थ्री। यहां पर मेन है, मेन में क्या किया गया तीन ऑब्जेक्ट बनाए गए ओबी वन ओबी टू और ओबी थ्री, फिर जब हमने कहा ओबी वन डॉट रीड पॉइंट तो ओबी वन के डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे रीड पॉइंट में, तो जो एक्स और वाई इनपुट होंगे वो ओबी वन के ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ओबी वन में जो हमारा ओबी वन ऑब्जेक्ट है उसमें एक्स और वाई में जाएंगे। जब हम कहेंगे ओबी टू डॉट रीड पॉइंट तो फिर एक्स और वाई इनपुट होगा और वो ओबी टू के एक्स और वाई में जाएंगे। जब हम दो पॉइंट रीड हो गए उसके बाद हमने क्या कहा ओबी थ्री इज ओबी थ्री डॉट मिड पॉइंट ओबी वन, और दोनों ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ओबी वन और ओबी टू दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और यहाँ पर पी वन और पी टू में जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर ओबी वन है उसका नाम यहाँ पी वन है, जिसका नाम ओबी टू है उसका नाम यहाँ पर पी टू है। तो जो हम एक्सेस कर रहे हैं पी वन में वो ओबी वन में एक्सेस हो रहा है, जो ओबी टू जो पी टू में एक्सेस कर रहे हैं वो ओबी टू के डेटा मेंबर एक्सेस हो रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि करंट वाले यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने ओबी थ्री डॉट करके कॉल किया है, उसमें क्योंकि हम करंट ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर एक्सेस नहीं कर रहे हैं इसलिए ओबी थ्री डॉट करके फंक्शन कॉल किया गया। फिर ओबी वन डॉट डिस्प पॉइंट, जो डिस्प पॉइंट हमारा है ये जब हम ओबी वन करके डिस्प पॉइंट कॉल करेंगे तो ओबी वन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्रिंट होंगे, जब ओबी टू डॉट डिस्प पॉइंट करेंगे तो ओबी टू में एक्स वाई जो है वो प्रिंट होंगे, जब ओबी थ्री डॉट डिस्प पॉइंट करेंगे तो ओबी थ्री, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उसके डेटा मेंबर सीधे फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जिनको कहते हैं करेंट ऑब्जेक्ट डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखिए कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंचते हैं और सीधे एक्सेस होते हैं, दीज आर कॉल करेंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये हमारा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, और ये इनपुट फंक्शन है, रीड पॉइंट यानी इनपुट फंक्शन है, और ये डिस पॉइंट ये डिस्प्ले फंक्शन है। अब दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट निकालने का फंक्शन है और मेन है, और तीसरा ले लीजिए। जब इसको हम रन कराएंगे तो देखिए कैसे एक्सेस होगा। क्या कहा, एंटर फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट पहले दिया, मान लिया मुझे दिया 25, वाई कोऑर्डिनेट दे दिया हमने 56, एंटर सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 12, और वाई कोऑर्डिनेट दे दिया हमने 48। अब देखिए आया आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट आर 25.0, वाई कोऑर्डिनेट्स इज 56.0, 25 पॉइंट में आ गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकेंड पॉइंट आर, एस कोऑर्डिनेट इज 12 और वाई कोऑर्डिनेट 48। अब दोनों का मिड पॉइंट निकाला गया है, तो ये एक्स दोनों के ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया और वाई दोनों में ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी ले सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जो सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल आइकन रहता है उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे क्या होगा, बार बार आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको करना है वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही नियर डियर को शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। तो आगे फिर मैं बचे हुए इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसमें पासिंग ऑब्जेक्ट और करेंट ऑब्जेक्ट डेटा होगा, यानी फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास करेंगे और रिटर्न भी ऑब्जेक्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बचे हुए प्रोग्राम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।